होली पर इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के उड़ाए रंग। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता सिंधिया ने छोड़ी कांग्रेस। सिंधिया के बाद इस्तीफों की लग गई झड़ी। कमलनाथ सरकार का गिरना माना जा रहा तय। इस्तीफा देने से पहले सिंधिया ने अमित शाह और पीएम मोदी से की मुलाकात। बीजेपी में शामिल होंगे सिंधिया, क्या सिंधिया की बीजेपी से हुई कोई डील? बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या मोदी सरकार में मिलेगी जगह? मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों से शुरू हुई सियासी उठापटक के खेल में अब नया मोड़ आ गया है। प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, 18 सालों से कांग्रेस का सदस्य रहने के बाद यह समय आगे बढ़ने का है। कांग्रेस के अंदर रहकर मैं जनता की सेवा करने का अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहा था। इस्तीफा देने से पहले सिंधिया ने गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिंधिया का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं सिंधिया के इस्तीफे के बाद जैसे इस्तीफों की झड़ी लग गई, एक के बाद एक 6 राज्य मंत्रियों समेत कांग्रेस के 19 विधायकों ने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कमलनाथ नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके विधायकों के खरीद फरोख्त के प्रयास कर रही है। वहीं इस घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, हम बहुमत साबित करेंगे। सियासी उठापटक के बाद आज सिंधिया भाजपा में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी सिंधिया को अपने कोटे से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी और बाद में उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सिंधिया अक्टूबर 2012 से मई 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रह चुके हैं।